हेलो एंड वेलकम। ये मिजविल द ऑटर क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर है। इसके इंट्रो के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सारी इंट्रोज वीडियो है। अगर आपको फुल डिटेल समरी वाली वीडियो चाहिए तो डिटेल समरी वाले सेक्शन में पड़ी हुई है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। एन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज ऑफ केमस फेरेना। नेविल मैक्सवेल है जो एक कॉटेज में रहते हैं केमस फेरेना इन द वेस्ट आईलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड शहर के एक जगह पर। When his dog Johnny died, जब उसका डॉग जॉनी मर जाता है, Maxwell was too sad to think of keeping dog again. Maxwell जो अपने कुत्ते के बारे में ही सोचता रहता है, but the life without pet was lonely. मतलब जिसके पास सिर्फ एक पेट ही हो और कोई पर्सन ना हो तो उसको जो है बड़ा दुख हो जाता है उस चीज को लेकर। मिजविल द ऑटर इंट्रोडक्शन। इस मिजविल द ऑटर है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स us how the life changed after he decided to domesticate an otter after he lost a pet dog. कैसे किसी इंसान की जिंदगी जो है चेंज हो जाती है, वो कोई और जानवर ले आता है जब उसका पेट डॉग जो होता है, बहुत प्यारा डॉग जो होता है, वो मर जाता है। इट टेक्स थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, वो एडजस्ट करना, प्लेइंग ट्रेवलिंग विद मिजविल, और वो मिजविल के साथ खेलना, घूमना, उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाता है और वो अपने धीरे धीरे अपने डॉग को जो है भूलने लग जाता है। मिजविल को मिज बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंडन एंड हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डेवलप्स एन इनसेपरेटेबल बॉन्ड विद हिम। वो इराक से लंडन जा रहा होता है और उस दौरान मतलब प्लेन में एक तो वैसे भी कोई जानवर अलाउड नहीं है, लेकिन वो बैग में रख के उसे ले जाता है तो क्या क्या चीजें वहां पे होती हैं वो चीजें उसमें थोड़ा सा यहाँ नीचे बताई गई है। द स्टोरी बिगिंस विद एन ऑथर ट्रेवलिंग टू बसरा अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड ड्यूरिंग देयर जर्नी। एक स्टोरी जो शुरू होती है वो ट्रेवलिंग, जो ऑथर होता है उसकी ट्रेवलिंग जो शुरू होती है, वो जा रहा होता है बसरा से उसके दोस्त के साथ। ड्यूरिंग देयर जर्नी, उनके जर्नी के टाइम पर ऑथर एक्सप्रेस हिज डिजायर टू डोमेस्टिकेट। ऑथर जो होता है बताना शुरू करता है एन ऑटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग, क्योंकि उसने अपना कुत्ता खोया होता है, लाइफ हैड बिकम लोनली फॉर हिम, वो बहुत अकेला फील करता है। हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट ही शुड गेट वन फ्रॉम द मार्शेस अलोंग द रिवर टिग्रिस इन द इराक। वो तो कहता तुम जा ही तो रहे हो टिग्रिस, वहां पे एक रिवर है इराक में, तो वहां से कोई एक नया जानवर ले लेना। व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, जो वहां पहुंचे, दे फाउंड दैट ओनली वन फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। उनका एक फ्रेंड का मेल आता है। आफ्टर अ फ्यू डेज द फ्रेंड लेफ्ट व्हाइल द नरेटर वाज स्टिल वेटिंग टू रिसीव हिज मेल। वो तो चला जाता है और जो नरेटर होता है वो उसके मेल का इंतजार कर रहा होता है। अपॉन रिसीविंग इट उसको देखता है, ही वेंट टू हिज रूम only to find an otter brought to him in a sack. वो देखते हैं कि एक box के अंदर एक otter मिलता है उसे, accompanied by the two Arabs with a note. दो अरब लोग जो होते हैं वो छोड़ के जाते हैं और एक note के साथ। It was a gift from his friend. वो कहते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त की तरफ से तुम्हें तोहफा है। He named the otter Mijbil. वो उस otter का नाम Mijbil रखता है और shortly Mij, उसको short form में Mij बोलता है। It took some time for the Mij to open up and get acquainted with his surrounding. तो मिजविल जो है पहले कहीं और रह रहा होता है, फिर अचानक से किसी और जगह पे आ जाता है, तो थोड़ा सा सराउंडिंग में उसको मिलने जुलने में थोड़ा टाइम लगता है। He was covered in a mud, वो मिट्टी में या कीचड़ में लिपटा हुआ होता है, क्योंकि खेलता होता है वो कीचड़ वगैरह में। To an extent that it looked almost a month of cleaning. ऐसा लगता है जैसे वो एक महीने से नहीं नहाया है। Washing to reveal his actual color, वो उसको धोता है ताकि उसका एक्चुअल कलर उसे दिखाई दे कि भाई हाँ दिखने में कैसा है। मिज लव्ड प्लेइंग विद वाटर, मिज बड़ा खुश होता है वाटर के साथ खेलते में। सो मच दैट ही एवन लर्न टू ओपन द टैप ऑफ हिज ओन, तो वो धीरे धीरे ये भी सीख लेता है कि अच्छा टंकी ऐसे खोली जाती है, तो वो खुद से ही अपने पानी की नल जो है खोल लेता है जब उसको कभी मन करता खेलने का। He believed that each drop of water should be squeezed and splashed till the bowl and he had been emptied. वो जब तक पूरा पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक उसके साथ खेलते ही रहता। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली इन बसरा, सब चीज बड़े अच्छे से स्मूथली जा रही थी बसरा के अंदर। बट नाउ इट वाज अ टाइम टू फ्लाई बैक टू लंडन, लेकिन ये टाइम था कि हमें वापस लंडन भी जाना है, उसे अपने घर भी जाना है। ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल्स, ब्रिटिश एयरलाइंस में एनिमल ले जाना अलाउड ही नहीं है। सो ही हैड टू बुक अनदर फ्लाइट दैट अलाउड मिज विद द कंडीशन दैट ही हैड कैरीड इन अ बॉक्स। तो वो कोई और फ्लाइट बुक करता है जिसके अंदर वो मिजबिल को यानी अपने जानवर को ले जा सके। द नरेटर पुट हिम इन अ बॉक्स, लेकिन कोई भी फ्लाइट ऐसी मतलब अलाउड करती नहीं है, तो नरेटर क्या करता है उसे एक बॉक्स के अंदर रखता है। एन आवर बिफोर द फ्लाइट, फ्लाइट में जाने से एक घंटा पहले, सो द मिज कुड गेट एक्विप्ड
accustomed to it, ताकि वो आराम से उसमें से चला जा सके, एंड लेफ्ट फॉर अ क्विक मील, और उसको ना खाना ना खिला के छोड़ देता है. मैंने रिटर्न ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल. वो देखता है कि हाँ बॉक्स जो है बिल्कुल स्थिर है, मतलब मिज बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा. मिज हैज क्रिएटेड अ मैस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग. मिज क्या करता है, उसको अंदर से कुदेदना शुरू कर देता है. एज अ रिजल्ट द ब्रेड वॉज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल्स. अब जब वो कुरेद रहा होता है तो कुछ उसमें मतलब उसको भी खुद को चोट लगती है, जिसकी वजह से उसमें से क्या निकलता है, ब्लड निकलना शुरू कर देता है. स्केर्ड ही एज ही वॉज ही हरीड. वो घबरा जाता है, वो भागता है, जल्दी करता है. देवर फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट. वो एयरपोर्ट से थोड़ा दूर होते. देवर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ. 10 मिनट रह जाते हैं फ्लाइट के टेक ऑफ में. ही क्लीन इट, उसे साफ करता है. हरीड इन अ कैब, जल्दी करता है कैब के अंदर. कहता है कैब वाले जल्दी चलो, मैनेज टू रीच जस्ट इन टाइम, मुझे वक्त पर पहुंचा दो. एक्सप्लेन द सीरीज ऑफ इवेंट टू अ वेरी काइंड एंड जनरस एयर हॉस्टेस. वो बड़ी ही प्यार से और तरीके से समझाता है एयर हॉस्टेस को कि ऐसे ऐसे हो गया था. वो एडवाइस टू कीप हिम टू द बॉक्स ऑन हिज लैप. कहते इस जर्नी के दौरान आप क्या है, इसको इस बॉक्स में ही रखेंगे. गेव इन डेवलप्ड एक्सट्रीम एडमायरेशन फॉर द एयर हॉस्टेस फॉर शी वॉज वेरी काइंड टू हिम. वो देखता है कि ठीक है, ये एयर हॉस्टेस भी जो है थोड़ी सी उसके थ्रू काइंड है मिज बिल के थ्रू. एज सून एज ही हैड ओपन द बॉक्स द ऑटर लीप्ड आउट. जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, ऑटर बाहर निकल के भागने लग जाता है. एंड डिसअपीयर्ड देयर बाय क्रिएटिंग अ चाउस. वहां पे क्योस मतलब हड़बड़ी मच जाती है, भागा दौड़ी मच जाती है. पैसेंजर वर फ्राइटेंड, पैसेंजर घबरा जाते हैं. अ लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर. एक लेडी कूद के अपनी चेयर पे ही बैठ जाती है फ्लाइट की. इन एन अटेम्प्ट टू गेट अ होल्ड ऑफ मिज, द ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड इन अ करी. और जो ऑथर होता है वो कुछ खा रहा होता है, वो सारा का सारा खाना उसके ऊपर गिर जाता है. ठीक है, एक सेकंड हम हाईलाइट कर लेते हैं. यस, करी एयर हॉस्टेस ऑफर्ड हेल्प एंड बॉट हिम बैक. एयर हॉस्टेस उसकी हेल्प करती है, उसको वापस से लाके उसको देती है. गिवन एंड फाइनली दे रीच लंदन. और उसके बाद उसको बॉक्स में रख लेता है और फिर वो लंदन पहुंच जाते हैं. मिज वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विद पिंग पोंग बॉल्स. मिज विल द ऑटर को जो है पिंग पोंग बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है. एंड मार्बल्स कंचों के साथ ही इवन डेवलप्ड अ गेम विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस. वो उसके डैमेज सूटकेस जो खराब हो चुका होता है उसके साथ खेलता रहता है, मतलब उससे गेम डेवलप करता है खुद से. इट कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये उसको बिजी रखता है, मतलब ऑटर अपने में ही खेलता रहता है. नरेटर टुक हिम वॉक्स व्हाइल ही टेकिंग लेट प्लेड विद हिम. नरेटर जब भी बाहर घूमने जाता है, कुछ सामान लेने जाता है, उसे अपने साथ ले जाता है, उसके साथ खेलता है. पीपल ऑफ लंडन बींग अनफेमिलियर विद ऑटर्स. जो लंडन के लोग होते हैं बड़े अनफेमिलियर होते हैं ऑटर के साथ, क्योंकि उन्होंने ऑटर देखा भी नहीं होता, प्लस वो लोग ऑटर पालते भी नहीं हैड. वाइल्ड गैसेस अबाउट वॉट मिज वॉज. और वो देखते हैं कि यार ये मिजविल जो है, ये ऑटर जो है, ये क्या जानवर है, क्या अजीब विचित्र चीज है ये. सम थॉट इट टू बी अ बेबी ऑफ सील. वो सोचते हैं कुछ कि ये सील का बच्चा लग रहा है, कोई सोचता है स्क्विरल है, कोई सोचता है हिप्पो है ना. द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम व्हेन द लेबरर डिगिंग द होल आस्क्स ऑथर व्हाट इज दैट सपोज टू बी. कोई बंदा आके उसको जब पूछता है कि ये भाई क्या है ये, तो वो चौंक जाता है कि यार तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता, तुम बड़े ही मतलब बेवकूफाना सवाल पूछते हो. तो यहाँ पर ये समरी हो गई है, इसको हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, तो आप एक बार इसे देख सकते हैं. और चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के लिए आप और वीडियोस को नीचे देख सकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.